मेरा मकसद कहने का यह था कि अरमान बेनीवाल जब रोज हमारे इलाके में घूमता है, हमारी पार्टी के खिलाफ बोलता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है, अभी अभी उसने एक वीडियो जारी किया, देखा होगा आपने, उसने कहा अशोक गहलोत की भाषा आपको समझ में आती है क्या, और वसुंधरा जी को उसने दो दफे वीडियो में दारूडी बताया है। ये ऐसा एक नेता हो गया जो सब आदमियों के खिलाफ बोलता है, वो मेरे डेगा नाम मीटिंग करता है, डेगा नाम आएगा, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, इतनी हिम्मत मैं भी रखता हूं कि मैं उसके खिलाफ जाकर उसका नुकसान करूं। यही बातें मैंने कही थी, वो अगर जाट समाज के लिए कुछ बात करता है तो जाट समाज को क्या दिया, वो हमारे पूर्वजों के खिलाफ बोलता है, कैसा नथुराम जी ने क्या किया, रामनिवास जी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अरे नथुराम जी ने वो काम किया भाई, जो जिस जमीन को किसान जोतता उसकी खातेदारी का हक गिराने वाले नथुराम मेहता जी, बलदेव राम जी थे राजस्थान के अंदर, वो क्या बात करते हैं। और नहीं तो मैं उससे सवाल पूछता हूँ, क्या सवाल, आपने जाट समाज को क्या दिया, आप 3 बार MLA रह गए, 4थी बार सांसद बन गए, आपने क्या दिया जाट समाज को, कितने लड़कों के आपने जाट समाज के लड़कों की नौकरी लगाई, आप तो इतनी ओछी ओछी बातें करते हैं। दिव्या मदेना जी के खिलाफ आपने क्या कहा कि वो समाज की बेटी नहीं है, उनके दादा परशुराम जी मदेना ने क्या नहीं किया इस राजस्थान के किसान के लिए, अरे हरीश चौधरी जी के खिलाफ बोलते हो आप, दिव्या मदेना जी के खिलाफ बोलते हो, मिर्जा परिवार के खिलाफ बोलते हो। इसलिए मैंने कहा मैं जाऊंगा और डटकर उसका विरोध करूंगा, जितनी मेरी ताकत है उसको लगाऊंगा, और अरमान बेनीवाल को हराने का काम इस्पाल मिर्जा जितनी ताकत से करेगा करेगा, वो रोज डेगा नाम जाता है अनशन बोलता। राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा, कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की सत्ता पे काबिज होगी। कल कुतामन में आपके कार्यकर्ताओं को लाठी चार्ज हुआ था, मेरे कार्यकर्ताओं में लाठी कोई चार्ज नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही कोई आपको फोटो आ गई होगी, मेरे कार्यकर्ताओं में लाठी चार्ज करने से पहले 1000 बार सरकार को सोचना पड़ता है। मिर्जा ने कहा कि हनुमान बेनीवाल को कुछ नहीं, कुछ नहीं सुनो, कुछ नहीं, जो 5-5 बार हार गए जवान थे जब तो की उनकी बारे में क्यों बात करें। 2 दिन पहले आपने डेगाना में कहा था भगड़ो को डेगाना जो निवासी उनको इस बार परमानेंट भगा देंगे, पूरे नागौर से भगा के घर बिठा देंगे। ऋषपाल मित्रा ने आज एक वीडियो जारी किया, उसके अंदर लिखा है कि आने वाले चुनाव में हनुमान बेनीवाल को वो कैसे, वो तो बीमार है, मान उनकी स्थिति ठीक नहीं है, सुबह कोई बयान देता, शाम को कोई दवाई ले रहा है लंबे समय से, तबीयत ठीक नहीं उसकी। कब तक जारी होगी, जल्दी हो जाएगी, अब सब हम ही करेंगे जारी, जो भी होगा चिंता नहीं करेंगे।